Hey Pokemon fans, welcome back to the Pokemon Sunflower GBA gameplay में। तो पिछली बार हम जहाँ थे ना उससे अब आगे जाएंगे। तो हमें लेना है, मतलब पहले तो मैं यहाँ जाऊँगा, एक आदमी मेरा इंतजार कर रहा है। ये रहा, हेलो अंकल। ओ मैं टकलू अंकल हूँ। ठीक, हेलो टकलू अंकल, क्या आपके पास कुछ है? बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? नहीं, मैं खुद गरीब हूँ। ये लोग कौन कैसे? तो दोस्तों उसने हमें गरीब समझ के मस्त कॉइन कैश दे दिया है, जिससे हम फ्री में कॉइन ले सकते नहीं हैं बल्कि पैसे को कॉइन में बदल सकते हैं। क्या मुझे खाना मिलेगा अंकल? अपना खाना मुझे दे दो। नहीं तो यहाँ सब भूखे वाले हैं। और क्या स्टाइलिश बाल है तुम्हारे, तुम कौन हो? मैं टीम फ्लेयर का मेम्बर हूँ, भाग यहाँ से। चलो दोस्तों इस घर के अंदर। ओह हेलो टीम फ्लेयर के मेम्बर। दद्दू टी वी के सामने आप क्या कर रहे हैं? मैं वो वाला डांस कर रहा। कौन सा वो वाला डांस? कौन सा? नाच में बिरयानी ढिंचिक ढिंचिक। ठीक है जय, चलो इस तरफ चलते हैं। अरे दादी जी नमस्ते, बाय बाय। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ बर्फ़ गिर रही है। तुम्हें बर्फ़ नहीं लग रही ठंडी? कोई बात नहीं, लगता इनको ठंडी ही नहीं लगती। तो हम जाने वाले हैं पोकेमॉन गेम। ओहो वो पहले कॉइन कैश के बारे में पूछ ले। बेटा इसके लिए पैसे चाहिए हो? पैसे वो तो मेरे पास है ही नहीं, पर मुझे फ्री में कॉइन कैश ना दोगे? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, मैं 50-50 का खरीद लेता हूँ कॉइन कैश, इससे मेरे पास कॉइन आ जाएंगे। ये तो चीटिंग है, इन लोग कितना कम कॉइन देते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कॉइन खरीद लेता हूँ। वैसे मैं कॉइन खरीद ही क्यों रहा हूँ? तो दोस्तों मेरे पास पैसे ही ख़त्म हो गए कॉइन खरीदते खरीदते। ये पोस्टर में कहाँ पड़ रहा? इस पोस्टर को मत पढ़ना, तुम्हें मुझसे बैटल करनी होगी। यहाँ गेम सेंटर में बैटल, ठीक है। पिकाचू इसके मुंह में थंडर बोल्ट दे दो, पर है ही नहीं। अब मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि थंडर बोल्ट अटैक मैंने क्यों हटा दिया था, गलती से हटाया था। ये मैं क्या देख रहा हूँ, पिकाचू का सर्फ अटैक खुल रहा है? नहीं मजाक चल रहा है यहाँ। पिकाचू तुम पानी में तैर सकते हो, तुमने बताया नहीं। पिकाचू ठीक है, सर्फ अटैक अच्छा, ये स्पेशल गेम है। और कोलावा क्या हाल चाल? ये लोवानी, अब कोलावा भी डर गया होगा कि पिकाचू है कि स्कॉटर। तुमने मेरे पोकेमॉन को बड़ी आसानी से हरा दिया, उस पोस्टर को मत पढ़ना। क्यों? इस पोस्टर को जो भी बगल में जरूर देखना। अरे ये क्या, पोस्टर को पढ़ो और बगल में देखो, बगल में तो सीढ़ी आ गई। चलो ये मंदिर की सीढ़ी है क्या? अरे नहीं ये तो अंडरग्राउंड है दोस्तों। तो कहाँ जाऊँ? हाँ मेरे पोकेमॉन बहुत कमज़ोर है, तो मैं थोड़ा ट्रेनिंग करूँगा इन सब से लड़के। तो क्या मैं ट्रेनिंग करके मिलूँ आपसे? ठीक है तो चलो मैं जा रहा हूँ इनसे लड़ने। टाइम हेलो 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 चलो चलते हैं। अरे तो बैटल कर लूँ क्या? वैसे आपको बैटल करते हो नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन इस जगह से आगे जा ही नहीं सकते थे, इसलिए मुझे यहाँ का सीन दिखाना पड़ा। अब पहले मुझे वो वाली बॉल लेनी है, तो चलो उसे ले लेता हूँ। इस बॉल में है क्या? TM12। मैंने जिसे भी मारा मुझे मिल गया TM12। मैं यहाँ क्यों ही आया हूँ, अभी तो यहाँ कुछ काम ही नहीं था। तो दोस्तों मैं यहाँ फालतू आ गया हूँ, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट वाला चक्कर तो बाद में आता है। और हारे हुए आदमी तो, अरे वो भी एक तो बैटल करने वाला है, तो मैं उससे बैटल कर लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ले लेता हूँ वो पॉकी बॉल। उस पॉकी बॉल तक जाने का रास्ता कितनी आराम से मिल गया। रेयर कैंडी, इस कैंडी से अपने पोकेमॉन का लेवल मत बढ़ाना। पर क्यों, यही कहोगे ना? इस कैंडी को बेच देना, बहुत पैसा मिलेगा और इससे आप बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेवल तो आप बैटल करके भी बढ़ा सकते हैं, है ना। चलो चलते हैं आगे। अरे मैंने इससे पहले से ही बैटल कर लिया, ये देख लो सबूत। तो दोस्तों यहाँ है क्या? ब्लैक गॉगल्स, वाओ अब काला चश्मा जचेगा मुझ पे। तो चलो यहाँ से भी। अरे लेजेंडरी पोकेमॉन, इसे मैंने पहली बार देखा क्योंकि मैं आया ही नहीं था इस तरफ। तो गेम सेव कर लेता हूँ, अब फिर चलते हैं देखने के आखिर है तो है कौन, कैच लेजेंडरी पोकेमॉन। वेट एंड सी हूज कौन। युक्सी, वाओ एक हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये लेजेंडरी पोकेमॉन है 0 लेवल की। चलो ये तो एक अटैक से हार जाएगी। चलो इसे पॉकी बॉल से ही पकड़ लूँ, क्या नहीं आई पकड़ में, कोई नहीं स्ट्रगल। तो चलो अटैक कर देता हूँ जिससे थोड़ा कमज़ोर हो जाए। सर्फ नया सर्फ एक बार मिला, गायब ख़त्म। लो लेजेंडरी पोकेमॉन गायब, इसलिए मैंने कहा था कि सेव कर लेना गेम, नहीं ऐसे लेजेंडरी खो दोगे मेरे जैसे।
तो चलो मैंने इसलिए गेम सब कर लिया था, अब फिर चलते हैं। तो युक्सी, ओ हो, पिछली बार तो हमें सिर्फ युक्सी मिली थी, अब तो एक शाइनी युक्सी मिल चुकी है। इसका नाम युक्सी यही है ना। इस बार मैं इसे कैच करके रहूँगा, क्योंकि अटैक करूँगा। ये सबसे सस्ता अटैक है पिकाचू का, या फिर सीधे पकड़ लूँ, देखते हैं। पॉकी बॉल चलो, मुझे नहीं हुआ। अच्छा ये लेजेंडरी पोकेमोन है, अच्छा पॉकी बॉल से नहीं, ग्रेट बॉल से पकड़ता हूँ। वाह हमने पकड़ लिया है एक युक्सी, जो कि हमारी टीम में नहीं रहेगी, क्योंकि हम पोकेमोन यूनाइट के साथ चलने वाले हैं। इसे मैं पीसी में फेंक दूंगा, आई मीन रख दूंगा। तो चलो यहाँ एक ट्रेनर है जिसके पास है चाबी, तो इसी से मांगते हैं चाबी। तो चलो इससे बात करते हैं। हेलो मिस्टर, चाबी दे दो। चाबी मैं लाइट में फेंक दूंगा, पर मिस्टर जीत तो जाओ। ठीक है क्रोकोना, ओके इसे तो पिकाचू टाइप अटैक है ही नहीं। कोई नहीं, मेगा पंच तो है, आइस पंच गया पिकाचू। तो अब मिलो अपने दादा से, ब्लास्टॉइस। ब्लास्टॉइस नहीं, हम तो इसे मेगा करने वाले हैं। मिलिए मेगा ब्लास्टॉइस से, ब्लास्टॉइस मेगा। अब तो ये गया एक ही बार में। मेगा ब्लास्टॉइस की असली ताकत अब देखने को मिल रही है सबको। तो ये माको हीटा, इसे हराना तो बच्चों के खेल नहीं है, ब्लास्टॉइस का खेल है। मेगा पंच, ओ सॉरी मेगा की का ब्लास्टॉइस के पास। तो लो भैया दोनों पकवान हार गए। चाबी दो, चाबी मैं हाथ में नहीं देता, वो पॉकी बॉल में। ठीक है तो हमें लिफ्ट की मिल चुकी है, अब हम उससे लिफ्ट में जा सकते हैं। तो लिफ्ट है शायद किसमें, थर्ड फ्लोर में, नहीं थर्ड नहीं, सेकंड फ्लोर में लिफ्ट थी ना, थर्ड फ्लोर तो अभी हम हैं। ये रहा, चलो चलते हैं लिफ्ट लेने। ओहो, वैसे मैं जा रहा हूँ पता है कहाँ। चलो मैंने इससे भी बैटल कर ली है, अब तो आसान है वहाँ जाना। चलो चलते हैं, पहले मैं वो पॉकी बॉल ले लूँ, उसमें कुछ खास हो सकता है। हर पॉकी बॉल ज़रूरी होता है, वो एक्स स्पीड काफ़ी काम आ जाएगा बेचने में। चलो चलते हैं इस तरह, आप ठीक है नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे, देखो सिंपल है बिल्कुल जाऊँगा। और ये हम आ गए, चलो चलते हैं लिफ्ट से जाएँ। वैसे मैं ऊपर वाले फ्लोर में नहीं गया, तो पहले यहाँ चलता हूँ। ओहो यहाँ दो लोग हैं, इनसे बैटल करनी पड़ेगी पहले, तो मैं एक्सपीरियंस ले लेता हूँ इन दोनों से बैटल करके, और मिलता हूँ आपसे आगे। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी और शेयर भी। तो मैंने उन दोनों से बैटल कर ली है, लेकिन मैं कुछ भूल गया था लेना। ये देख लो मैं उसके पास से निकल गया ना, वो है पॉकी बॉल लेना, वो रहा क्या है इसमें हाइपर पोटन, जो कि हमारे सफर में काफ़ी काम आएगा। तो मैं उसके पास से इसे ले गया था ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ मैंने बैटल की है। तो चलो चलते हैं फोर्थ फ्लोर में, और हम आ चुके हैं फोर्थ फ्लोर में, और यहाँ भी हमें कैल्शियम मिल जाएगी। वो यहाँ पे इन दोनों से भी मैंने बैटल कर ली थी, इसलिए तो दरवाज़ा खुला है। और ये रहा लाइसेंडर, इसमें जीवानी नहीं है, लाइसेंडर है। तो किसी भी मेन बंदे से लड़ने से पहले, बंदे पोकेमॉन करेक्टर से लड़ने से पहले सेफ गेम ज़रूर कर लेना, चाहे वो लेजेंडरी पोकेमॉन हो या फिर फाइनल बैटल। तो लाइसेंडर पोकेमॉन देखते हैं इसकी। ओहो कैमोरैप, इसके लिए हमारा पिकाचू है ना, पिकाचू यूज सर्फ अटैक। ये लो एक बार और, नहीं नहीं वहदा हमारा पिकाचू तो गया। अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप तो रहा यार पिकाचू, कोई नहीं। रेजर लीप एक बार और, एक बार और रेजर लीप कर देगा तो हार जाएगा ये। तो यस हार गया ये पोकेमॉन। नेक्स्ट कौन है, ट्यूटी ने एंटर है कि टायरनटार, हाँ ट्यूटी ने एंटर लिखा था ना। इसके लिए ब्लास्टॉइस ठीक रहेगा, ब्लास्टॉइस यूज़। चलो भाई अब ब्लास्टॉइस को मेगा इवॉल्व करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि मेगा इवॉल्व मत करना, मैं दो बार कर चुका हूँ मेगा इवॉल्व लाइसेंडर से लड़ते समय, और गेम भैया रुक गया था, इसलिए मैं भैया तीस गलती नहीं कर सकता। वो तो मैं सेव कर करके गेम खेल रहा था, नहीं तो गेम पता नहीं क्यों रुक रहा है मेगा करने से, इसलिए ऐसे ही हरा देते हैं इसको। चलो एक बार और, एक बार टेल ये लो ना, हमने हरा दिया। अब अगला कौन है, स्नीजल। ओके स्नीजल के लिए हम डिस्ट्रिक्स को भेजते हैं। अच्छा सीसल अलोला का पॉकेमॉन है ना, इसके लिए ब्लास्टॉइस ही ठीक रहेगा, ज़्यादा लेवल का इसका ब्लास्टॉइस का इससे दो ज़्यादा है। तो अब हम यूज करने वाले हैं जेड मूव इस पर सही रहेगी, क्योंकि फायर टाइप भी है ना, फायर एंड पॉइजन टाइप। डन डन गया एक बार में, नेक्स्ट तो कोई नहीं है। चारी जाड, अरे यार कोई बात नहीं, चारी जाड है ना,
हम इस पे एक्वा टेल यूज करेंगे। अरे एक्वा टेल भी ख़त्म हो गया, दोनों वाटर अटैक ख़त्म, और अब मेगा पंच ही है हमारे पास। और ये देख रहे हो मेगा चैरिजार्ड बना है, दिख रहा है मेगा। मैं भी सोच रहा मेगा कर लूँ, लेकिन गेम ना रुक जाए, इतनी मुश्किल से इसको हरा पा रहा हूँ ना मैं। वह ना अरे एक मेगा पंच से हार गया, फ्लाइंग टाइप होते हुए भी आई नो पता नहीं कैसे, एक बार हार गया तो हार गया, हम जीत गए। और हमें लाइसेंडर ने 4,000 रुपये दे दिए, तो शुक्रिया इसके लिए। और ये क्या दे दिया है इसने, स्कल स्कोप। दोस्तों मैं यहाँ से एक्सपेरियर रॉप से जाने वाला था बाहर, लेकिन बोला इतनी सी बिल्डिंग के लिए हम एक्सपेरियर रॉप क्यों खर्च करें अपनी। यहाँ जब लिफ्ट का सिस्टम है तो लिफ्ट से ही चले जाओ, पहले फ्लोर में उतरें। और यहाँ से मैंने इससे बैटल कर ली थी इसलिए बच गया, और इससे भी कर ली थी। तो चलो चलते हैं सीधे ऊपर वाले फ्लोर में। और अब मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, तो मैं कॉइन्स खरीद लेता हूँ जल्दी से। 500 कॉइन्स और 500 कॉइन्स, फिर से 500 कॉइन्स। ओ पैसा ही नहीं है, तो इससे तो कोई पोकेमॉन खरीद ही नहीं पाऊँगा मैं। पोकेमॉन से आते हैं, चलो देख के आते हैं वहाँ कौन कौन से पोकेमॉन हैं जिन्हें मैं खरीद सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कौन खरीदूँ। चलो चलते हैं, फ़ोटो फ़ोटो अभी ना खींचे यार, अभी अच्छे पोकेमॉन नहीं, थोड़ा अच्छे विकसित विकसित हो जाए फिर खींच के कार्ड में सेव करेंगे। तो अभी गेम सेव कर लेते हैं यहाँ पे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और अब हम जाने वाले हैं ईवी लेने, तो ईवी यार ईवी के लिए तो रास्ता ही बंद है, नहीं तो यहाँ से रास्ता नहीं रहा करता रहा, तो यानी अब जब सर्फ मिलेगा तभी ईवी को ले पाएंगे। चलो ईवी को बाद में ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ, यहाँ से तो रास्ता नहीं है, मैं चेकआउट कर लूँगा बाद में। नहीं है रास्ता, यहीं से जाना पड़ेगा सर करके, और अभी तो जा नहीं सकते। तो क्या करें, कुछ नहीं करते हैं, पोकेमॉन सेंटर चलते हैं और गेम सेव कर लेते हैं। और हमारा गेम हो चुका है सेव, और इसी के साथ चैनल वीडियो कर देना लाइक, और पोकेमॉन सनफ्लोरा के जीवी गेम के लिए अभी के अभी इस प्लेलिस्ट